बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो है वो बिल्कुल न्यू स्टाइल में गोभी आलू की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल न्यू तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और जो लोग गोभी खाना जो है वो पसंद नहीं करते, और इंशाल्लाह जब ये खाएँगे ना तो फरमाइश कर से आपसे जो है वो इस तरह की गोभी आलू की रेसिपी जो है वो बनवाएँगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलके बनाते हैं न्यू स्टाइल में गोभी आलू मसाला की रेसिपी। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, तो इसमें डालेंगे सबसे पहले एक कप दही। अब इसमें जाएगा एक चम्मच भरकर सुरख मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, तकरीबन एक चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, तब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसको साइड पे करेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर लेते हैं। यहाँ कढ़ाई चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे हम एक कप जो है वो कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अभी यहाँ मेरे पास जो है आलू और गोभी है, यहाँ पे हमने अच्छी तरह इनको धोकर जो है वो ड्राई कर लिया है। गोभी में बिल्कुल पानी नहीं है, इसको धोने के बाद अच्छी तरह हमने खुश्क कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल भी जो है वो गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हम अपने आलू डालेंगे इस ऑयल में। तो साथ में हम गोभी भी डाल देंगे। अच्छी तरह इनको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ऑयल के साथ जो है वो फ्राई करना है। यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, और आप देख सकते हैं कि हमारी गोभी और आलू पे जो है वो फ्राई के निशान आ गए हैं, और बहुत प्यारी सी खुशबू भी जो है वो फ्राई होने की जो वो आ रही है। तो यहाँ स्टेज पे हम जो है वो गोभी और आलू को जो है वो ऑयल में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने गोभी और आलू सारे निकाल लिए हैं। अब यहाँ मेरे पास जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो डालेंगे। इसको थोड़ी देर सोते होने देंगे। अदरक लहसुन जो है ये थोड़े सोते हो गए हैं, प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमने जो दही के साथ मसालों का मिक्सचर बनाया था वो भी डाल दिया है, वो क्लिप मिस हो गया है। तो अब इसको चम्मच चलाते हुए दही का पानी ड्राई होने तक जो है वो हम इसको पका लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि दही जो है वो फटना स्टार्ट हो जाता है जब उसको हीट मिलती है। तो दही का पानी यहाँ पे पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, ऑयल यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास 3 अदद मैंने साइज के टमाटर थे उनको हमने ग्राइंड कर लिया है। टमाटर का पानी और दही का पानी पक चुका है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब यहाँ देखें किस तरह की माशाल्लाह से ग्रेवी सी बनी हुई है। तो नेक्स्ट इसमें जो चीज़ जाएगी वो है
यहाँ पे मेरे पास 1 कप पानी। ये पानी हमने टमाटर वाले जो है वो पेस्ट जो बनाया था उस जग में, और जो हमने दही का जो है वो पेस्ट बनाया था उसमें सारे बर्तनों में हमने डाल के लिया है, ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना जाए। तो ये पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। पानी को बॉयल आने देंगे, यहाँ पे अच्छी तरह इसे बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ हमारे पास है 1 दरमियाने साइज का प्याज, उसको हमने ब्राउन कर लिया था, और इस तरह हमने इसको हल्का हल्का जो है वो चूरा कर लिया है। बहुत ज़्यादा हम इसको पेस्ट या पाउडर नहीं बनाया वाली, बस इस तरह हमने इसको हल्का सा चूरा कर लिया। इस वक्त वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। और यहाँ पर स्लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे। स्लो फ्लेम पे दम पे लगाए हुए, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और यहाँ देखें पानी बिल्कुल जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लिया है प्याज ने। बहुत प्यारी सी ग्रेवी जो है वो यहाँ की तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे करेंगे चूल्हे की फ्लेम तेज़। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर, बहुत ही प्यारी सी जो है वो इसका फ्लेवर आएगा। फिर यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप पानी, पानी को बॉयल आने देंगे। पानी पकना स्टार्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे डालेंगे हम अपना गोभी और आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। ग्रेवी के साथ इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसे 2 से 4 मिनट के लिए हम जो है वो मसाले के साथ भून लेंगे आलू और गोभी को। वैसे तो ये ऑलरेडी फ्राई है, लेकिन मसाले के साथ भी इसे फ्राई करेंगे करेंगे ताकि तमाम मसाले के फ्लेवर जो है ये अब्ज़ॉर्ब कर ले। बहुत अच्छी तरह 2 से 4 मिनट के लिए हमने मसाले के साथ अपने गोभी आलू को फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर डालेंगे हम तीन अदद हरी मिर्चें हमारे पास, और 1 अदद नींबू के जो है वो स्लाइस हमने कर लिए हैं। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम करेंगे बिल्कुल स्लो। और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट जो है वो हम पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह हमारी जो है वो गोभी और आलू गल जाएं, क्योंकि हमने गोभी का साइज़ भी ज़रा बड़ा रखा है और आलू भी। जब तक गल नहीं जाते तब तक हमने इनको दम पे रखना है। माशाल्लाह जी देखें बहुत अच्छी तरह हमारी जो है वो गोभी और आलू गल भी चुके हैं यहाँ पे। बहुत प्यारी सी खुशबू और गया, और आप देखें बिल्कुल ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे फाइनली डिश आउट कर देंगे।
फाइनली जी माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है। और इंशाल्लाह इतनी ही मज़ेदार खाने में भी होगी, आप इसे रोटी नान पराठे और चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी। एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।